हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम एल्फ्रेडो नाम के एक लड़की को कॉलेज में देखते हैं। ये कॉलेज पहले एक चर्च हुआ करता था, जहाँ पे चर्च के फादर अब इस कॉलेज के हेड हैं। इसके बाद हम तीन लड़कों को एल्फ्रेडो को परेशान करते हुए देखते हैं और उसे वे लोग स्विमिंग पूल में गिरा देते हैं। अब एल्फ्रेडो कैसे तैसे बाहर आता है, लेकिन लड़के उसके साथ और भी मजाक करने लगते हैं, जिसके बाद एल्फ्रेडो की मौत हो जाती है। अब ये तीनों भी लड़के काफी डर जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन उसके पहले ही सीलिंग की तरफ से एक परछाई आती है और इन तीनों को भी मारकर एल्फ्रेडो को पूल से बाहर निकालती है और अपना खून पिलाकर एल्फ्रेडो को एक वैम्पायर बनाती है और वो वापस से जिंदा होता है, यानी कि वो बचाने वाला इंसान एक वैम्पायर था। इसके बाद हमें एज्रियल नाम के वैम्पायर के बारे में बताया जाता है, जो ईश्वर के समय से अर्थ पे घूम रहा है। उसने काफी सारे वॉर्स में भी पार्टिसिपेट किया था, जिसके कारण वो एक काफी अच्छा योद्धा भी था। अब ये कहानी इधर ही खत्म होती है। फिर हम सारा को देखते हैं, जो लीडिया नाम की लड़की से वैम्पायर के बारे में चैटिंग कर रही होती है, लेकिन उसके दूसरे तरफ कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था जिसका नाम जैवी था। दरअसल जैवी सारा को पसंद करता था, इसीलिए वो वैम्पायर फोरम पर सारा से लीडिया बनकर चैटिंग कर रहा था और सारा उसे लीडिया समझ रही थी। इसी दरमियान जैवी के पिता उसे डिनर के लिए बुलाने उसके रूम में आते हैं और उसका लैपटॉप खोलकर देखने लगते हैं, जहां पे वैम्पायर फोरम नाम के वेबसाइट पर तीन लड़कों की तस्वीर भी बनी थी। अब यहां पे जैवी के पिता नोटिस करते हैं कि जैवी ने अपना यूजर नेम लीडिया रखा है, जिस वजह से उन्हें लगता है कि उनका बेटा बाइसेक्सुअल है। अब डियागो नाम का लड़का दिखाया जाता है, जो लाइव आकर अपने व्यूअर्स को एज्रियल के बारे में बताते हुए कहता है कि मैंने उसके बारे में काफी रिसर्च कर ली है और मैं जल्दी ही उसे जान से मार दूंगा। फिर डियागो के घर पर हम उन तीन लड़कों की भी तस्वीर देखते हैं, जिन्होंने एल्फ्रेडो को स्विमिंग में डुबाया था, और उनकी तस्वीर के साथ एल्फ्रेडो की भी तस्वीर थी, यानी कि डियागो को लग रहा था कि एल्फ्रेडो ही एज्रियल है। अब यहाँ पे कॉलेज में जैवी का पूरा ध्यान सारा पर ही था, तभी सैम नाम का लड़का आकर अपने दोस्तों के साथ सारा से बात करने लगता है, जिस पर सारा की एक दोस्त कैरमेन उसका मजाक बनाकर उसे वहाँ से भगा देती है। अब क्लास में डियागो को सैम परेशान करने लगता है और सारा उन्हें रोकती है, जिस पर सैम कहता है तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो तो ही मैं डियागो को छोड़ दूंगा। फिर सारा सैम से रिक्वेस्ट करे उससे पहले ही जैवी बीच में आता है और सैम उसे धमकी देने लगता है, लेकिन तभी कॉलेज की हेड आती है, जिसके कारण सब लोग चले जाते हैं। अब क्लास खत्म होने के बाद सारा जैवी से बात करने जाती है और यहाँ पे बातों बातों में ही जैवी उसे ये कहता है कि तुम्हें वैम्पायर में काफी इंटरेस्ट है, जो सुनकर सारा हैरान होती है क्योंकि उसने जैवी से वैम्पायर की कोई भी बात कभी भी की नहीं थी। तभी वहाँ पे सैम आता है, जिन्हें देखकर जैवी वहाँ से भाग निकलता है। अब सारा और जैवी यानी लीडिया को दोबारा हम चैटिंग करते हुए देखते हैं और चैटिंग के दौरान सारा बताती है कि उसे किसी अनजान शख्स ने एज्रियल के बारे में बताया है और वो उसे होली ब्लड नाम के मूवी के प्रीमियर में मिलेगा, इसीलिए वो लीडिया को उस प्रीमियर में आने को कहती है, जिस पर जैवी अब कोई जवाब नहीं देता। थोड़े समय के बाद जैवी के पिता उसे मिलने आते हैं और उसे कुछ लड़कियों के वीडियो गेम देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हें काफी पसंद आएंगे, जिस पर जैवी कहता है कि ये गेम मैं नहीं खेलता हूँ, मुझे एक्शन गेम पसंद है। जिस पर उसके पिता बताते हैं कि मैंने तुम्हारी चैटिंग प्रोफाइल देखी है, जहाँ पे तुमने अपना नाम लीडिया रखा है, और उस वेबसाइट पर लड़कों की बिना शर्ट वाली तस्वीरें भी है, जिसका साफ मतलब यही है कि तुम बाइसेक्सुअल हो और मुझे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जैवी उन्हें सारी बात बताता है कि उसे सारा नाम के लड़की से बात करनी थी, इसीलिए उसने वैसा प्रोफाइल बनाया है। तब उसके पिता उसे समझाते हैं कि वो सारा को अगर पसंद करता है तो सब कुछ उसे सच सच बता दे, क्योंकि वो अपने दोस्त को ऐसे अंधेरे में नहीं रख सकता। अब आगे हम होली ब्लड मूवी का प्रीमियर देखते हैं, जहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए थे, उन्हीं लोगों में एल्फ्रेडो भी था। तभी डियागो, जो प्रीमियर पे आया था, वो एल्फ्रेडो को देखकर समझ जाता है कि ये वही वैम्पायर है जिसकी उसे तलाश है, और इसी जगह पर जैवी भी आया हुआ था। अब मूवी शुरू होती है, जहाँ पे बाकी लोग मूवी एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन डियागो एल्फ्रेडो को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं पे भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि एल्फ्रेडो उस मूवी थिएटर के सीलिंग पर लटका हुआ था। डियागो रिकॉर्डिंग करने लगता है, क्योंकि उसने पढ़ा था कि वैम्पायर मिरर और कैमरा में नहीं देख सकते, और अगर भीड़ में कोई वैम्पायर होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग में नजर नहीं आएगा। वो रिकॉर्डिंग कर ही रहा होता है, लेकिन तभी गार्ड की नजर डियागो पर जाती है और उन्हें लगता है कि ये फिल्म को मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा है, इसीलिए उसे थिएटर से बाहर निकालने लगते हैं। इस पर डियागो पहले गार्ड को समझाता है, लेकिन जब वो गार्ड नहीं सुनता तो डियागो सब लोगों से कहता है कि थिएटर से बाहर इस फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस आए हैं। अब ये सुनते ही सारी भीड़ थिएटर के बाहर आते हैं। अब इस भगदड़ में एक होल्डिंग सारा के ऊपर गिरने लगता है, जिसे जैवी रोक लेता है, जो देखकर सारा
काफी हैरान हो जाती है क्योंकि होल्डिंग बहुत ही भारी था। असल में होल्डिंग चैन से बंधी हुई थी और इसी कारण से जेवी उसे रोक पाया था। पर तभी चैन टूटने लगती है और जेवी सारा को जल्दी वहां से हटने के लिए कहकर होल्डिंग को छोड़ देता है। अब यहां पे सारा को लगता है कि जेवी ही एज्रियल यानी वो वैम्पायर है, इसीलिए वो घर आकर लीडिया से चैटिंग करने लगी है, जहां पे वो सारी बात बताती है कि उसके क्लास में एक लड़का है जो बहुत ही ताकतवर है, इसीलिए मुझे लगता है कि वही एज्रियल है और अगर वो एज्रियल है तो मैं उसे दोस्ती करने का ट्राई करूंगी ताकि मैं उसके बारे में और जान पाऊं। अब ये मैसेज देखकर जेवी जो लीडिया बनकर सारा से बात कर रहा था वो कहता है कि जेवी ही एज्रियल है। ये सुनने के बाद अब सारा हर रोज कॉलेज में जेवी पर नजर रखने लगती है, जहां पे उसकी दोस्त कैमरन सारा से कहती है कि तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो जेवी में, लेकिन सारा कुछ भी कहती नहीं। वही दूसरी तरफ डियागो चर्च से हॉली वाटर लेकर जेवी पर डालने की कोशिश करता है क्योंकि उसे भी जेवी पर वैम्पायर होने का शक हो रहा था। डियागो पहले तो बहाने से जेवी को ब्लड सॉसेज खाने को देता है लेकिन जेवी उसे नहीं खाता। इसके बाद डियागो अपने मुंह में हॉली वाटर भर कर जेवी के ऊपर फेंक देता है, लेकिन तभी जेवी उसके सामने से हट जाता है और पानी पीछे खड़ी लड़की के मुंह पर गिर जाता है। अब कॉलेज के पास सारा जेवी से बात करने आती है और बातों बातों में जेवी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम ही एज्रियल हो और तुम कोई बुरे वैम्पायर नहीं हो क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। इस पर जेवी कहता है कि हाँ मैं ही वैम्पायर हूँ और तुम इस राज को अपने तक ही रखना। इसके बाद सारा उसे अपने घर बुलाती है और उसे अपने शक्तियों के बारे में पूछती है। तभी जेवी बताता है कि वो लोगों के दिमाग पढ़ सकता है और वो सारा के सारे सीक्रेट उसे बताने लगता है जो सारा ने खुद ही लीडिया को बताया था। अब ये सुनकर सारा को यकीन हो जाता है कि जेवी एक असली वैम्पायर है। फिर वो उसे सवाल करती है कि तुमने कितने लोगों को मारा है। तभी जेवी बताता है कि जब से सिंथेटिक ब्लड की खोज हुई है मैंने किसी को नहीं मारा है क्योंकि मैं सिंथेटिक ब्लड ही पीता हूँ। अब सारा उसे लेकर एक एनिमल सेंचुरी में लेकर जाती है जहाँ पे उसकी दोस्त कैमरन भी होती है। यहाँ पे ये लोग छुपके से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं पर सेंचुरी का दरवाजा नहीं खुलता, जिस पर सारा कैमरन से कहती है कि तुम डरो मत, जेवी उस दरवाजे को आसानी से तोड़ सकता है। इसीलिए जेवी उस दरवाजे को तोड़ने जाता है, लेकिन यहाँ पे गार्ड जिसने इन लोगों को सीसीटीवी में देख लिया था वो उस दरवाजे को खोल देता है, जिसकी वजह से जेवी जमीन पे गिर जाता है और अब वो गार्ड उन तीनों को भी यहाँ से जाने के लिए कहता है। जिस दौरान एक गार्ड की बंदूक जेवी के सीने में लग जाती है लेकिन उसकी बंदूक खाली थी जिस कारण से उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे सारा की गलतफहमी होती है और वो समझती है कि अपने शक्तियों से जेवी ने खुद को ठीक कर लिया है और उसे विश्वास हो जाता है कि यही एज्रियल है। अब यहाँ पे जेवी और सारा दोनों भी सेंचुरी से निकल जाते हैं और वे लोग जेवी के घर पे जाते हैं, जहाँ पे जेवी अपने पिता को एज अ पिता के बजाय अपना केयर टेकर बताता है और आगे कहता है इन्हें भी मैंने एक वैम्पायर बनाया है। अब इन बातों के दौरान वो अपने पिता को बताता है कि यही वो लड़की है जो मुझे पसंद है, इसीलिए उसके पिता भी अपने बेटे का साथ देते हुए कहते हैं कि हाँ अब मैं भी अपने कफिन में सोने जा रहा हूँ। अब थोड़े समय के बाद सारा चली जाती है और उसके जाने के बाद उसके पिता वापस से जेवी को समझाते हैं कि ये सब करने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो तुमसे इसीलिए बात कर रही है क्योंकि वो तुम्हें वैम्पायर समझ रहे और इसीलिए पसंद कर रही है। अभी भी मौका है, तुम उसे सारी सच्चाई बता दो। इसीलिए जेवी फैसला करता है कि अगले दिन वो सारा को अपनी सच्चाई बता देगा। अब अगले दिन उनकी क्लास में पेल्फ्रिटो भी एडमिशन लेता है और लंच के समय उसकी बहस सैम के दोस्त से होती है, इसीलिए वो सैम के उस दोस्त की उंगली तोड़ देता है। वही दूसरी तरफ सारा जेवी को लेकर कॉलेज की स्विमिंग पूल में जाती है, जहाँ पे वो जेवी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे भी काट कर वैम्पायर बना दे, जिस पर जेवी उसे झूठ कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हें इंसानी खून पीने की इच्छा होने लगेगी और इसके लिए तुम्हें इंसानों को मारना होगा, इसलिए मैं तुम्हें वैम्पायर नहीं बना सकता। इस पर सारा नाराज होकर वहां से चली जाती है। तब जेवी को एहसास होता है कि उसे अब सच्चाई बता देनी चाहिए। अब जब वो ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदल रहा होता है तभी डियागो आकर एक लकड़ी से उसे मारने लगता है ताकि वो वैम्पायर मारा जाए। इस पर जेवी उसे यकीन दिलाता है कि वो वैम्पायर नहीं नॉर्मल इंसान है, पर डियागो को उसके ऊपर कुछ भी विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो जेवी को हॉली वाटर पीने के लिए कहता है। अब जेवी ऐसा ही करता है और अब जाके डियागो को भरोसा होता है कि ये इंसान ही है। अब डियागो का शक वापस से पेल्फ्रिटो पर जाता है। वही हम दूसरे दिन पेल्फ्रिटो को देखते हैं जो सारा के सामने बिल्डिंग पर उल्टा लटक जाता है और उसे बताता है कि जेवी कोई वैम्पायर नहीं है बल्कि मैं हूँ। और तब मोबाइल फोन के कैमरा चेक करने पर सारा को जेवी नजर आता है, पर पेल्फ्रिटो नजर नहीं
नहीं आता, यानी वो फाइनली समझ जाती है कि जेवी ने उसे धोखा दिया था। जिसके बाद पेल्फ्रिटो सारा को समझाता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें एज़रियल के बारे में बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, और ऐसा कहकर पेल्फ्रिटो सारा के साथ चला जाता है। इधर जेवी डियागो को सारी बात बताता है और दोनों पेल्फ्रिटो को लकड़ी से मारने की प्रैक्टिस करने लगते है, जो देखकर जेवी के पिता उनसे ऐसा करने की वजह पूछते है, जिस पर डियागो पेल्फ्रिटो की पेंटिंग दिखाकर बताता है कि ये असली वैम्पायर है, इसे हम मारना चाहते हैं। वही जेवी के पिता पेंटिंग देखकर कहते हैं कि ये पेल्फ्रिटो है जो मेरे क्लास में पढ़ा करता था। ये सुनकर जेवी और डियागो हैरान होते हैं, क्योंकि पेल्फ्रिटो अभी भी यंग ही दिख रहा था, इसीलिए वो तीनों रात के समय पेल्फ्रिटो का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पे पेल्फ्रिटो सारा को लेकर कॉलेज के स्विमिंग पूल में आ जाता है ताकि वो उसे काट कर वैम्पायर बना सके, और यहाँ पे जेवी उसके पिता और डियागो समझ चुके थे वो तीनों भी पेल्फ्रिटो का सामना नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो असली वैम्पायर था। तभी डियागो को याद आता है कि सैम सारा को पसंद करता है, इसीलिए वो उसे कॉल करके बताता है कि पेल्फ्रिटो सारा के साथ स्विमिंग पूल पे है। ये सुनके सैम काफी गुस्सा हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ कॉलेज चला आता है ताकि वो पेल्फ्रिटो को सबक सिखाए। वही पेल्फ्रिटो सारा को वैम्पायर बनने की जगह पे उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तक सैम और उसके दोस्त आकर पेल्फ्रिटो को दीवार पर धक्का दे देते हैं, उसका सर फट जाता है। अब ये देखकर सभी को लगता है कि पेल्फ्रिटो मारा गया, लेकिन अगले ही पल में वो आंख खोलकर अपने वैम्पायर के रूप में आता है, जो देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और सभी वहां से भागने लगते हैं। पर सैम और सारा को पेल्फ्रिटो पकड़ लेता है, लेकिन उससे पहले कि वो उन्हें नुकसान पहुंचा सके, वहां पे जेवी के पिता और डियागो होली वाटर से भरे हुए बलून पेल्फ्रिटो पर फेंकने लगते हैं, जिससे पेल्फ्रिटो की बॉडी जलने लगती है। तभी कैरमेन, जो सारा की दोस्त थी और उसका पीछा करते हुए कॉलेज आई थी, वो पीछे से आकर लकड़ी से पेल्फ्रिटो पर वार करती है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और यहाँ पता चलता है कि कैरमेन हैंडीकैप नहीं थी, बल्कि सारा से दोस्ती करने के लिए हैंडीकैप होने का वो नाटक कर रही थी, क्योंकि उसे सारा पसंद थी। वही पेल्फ्रिटो, जो बुरी तरीके से घायल हुआ था, वो बचने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ पे बाकी लोग भी उसके पीछे आते हैं। वहाँ पेल्फ्रिटो बताता है कि वो वैम्पायर है, लेकिन वो मेन वैम्पायर यानी एज़रियल नहीं है, वो सिर्फ लड़कियों का फायदा उठाता है और उनकी बॉडी से थोड़ा खून पीकर उन्हें जिंदा छोड़ देता है। अब ये सब बात वो बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे चर्च की नन आ जाती है, जो एज़रियल में बदल कर बताती है कि उसने ही पेल्फ्रिटो को वैम्पायर बनाया था, और ये रिवील करने के बाद वो उनके पीछे पड़ जाती है। वो सब लोग एज़रियल से बचते हुए एक कमरे में जा पहुंचते हैं, जहाँ पे डियागो को छोड़कर सभी पेल्फ्रिटो का खून पीकर वैम्पायर बन जाते हैं और एज़रियल का सामना करने के लिए चले जाते हैं। फिर वो एज़रियल को पकड़कर उसी स्विमिंग पूल में डाल देते हैं, जहाँ पे डियागो बताता है कि उसने होली वाटर पी रखा है, यानी कि उसके बॉडी में अब होली वाटर था, और ऐसा कर वो स्विमिंग पूल में यूरिनेट करता है, जिसके बाद सभी लोग एज़रियल को पूल में फेंकने की कोशिश करते हैं ताकि वो होली वाटर के कारण मारा जाए। पर वो खुद को एक खूबसूरत लड़की में बदल देता है, जिसके जाल में सभी लोग फंस जाते हैं। लेकिन जेवी सारा से प्यार करता था, इसीलिए वो उसके जाल में नहीं फंसता, बल्कि वो उसे लेकर खुद भी स्विमिंग पूल में कूद जाता है। यहाँ पे एज़रियल के मरते ही सभी लोग इंसान बन जाते हैं, और सारा भी जेवी को पसंद करने लगी थी क्योंकि उसने बहादुरी से उसकी जान बचाई थी। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। बाय।